सो हेलो गाइस, और अभी मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में और मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। सिक्योरिटी भी क्लियर हो गया है, और फाइनली मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। देख सकते हो दो बोर्डिंग पास है, कोलकाता से बैंकॉक का और फिर बैंकॉक से कंबोडिया का। तो फाइनली मुझे एंट्री मिल गया है, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ मुझे। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली। तो हुआ क्या कि मुझे बहुत परेशानी हुआ भाई, थाई एयरवेज वाले ने परेशान करके रख दिया मुझे तो। और मुझे चार बार दौड़ाया बोर्डिंग पास के लिए। सबसे पहले तो गया तो बोल सब कुछ डॉक्यूमेंट सही था मेरा। और अगर आप आ रहे हो थाई एयरवेज से कोई भी ट्रैवल कर रहे हो तो भाई कंबोडिया वियतनाम के लिए बता दे रहा हूँ, वियतनाम के लिए पता नहीं, कि $500 कैरी करना है। और प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं डॉलर लेने जा रहा हूँ तो बोलते हैं बोर्डिंग पास दो, और बोर्डिंग पास लेने जा रहा हूँ तो पासपोर्ट दो। तो जब वो पहले ने मैं डॉलर लेने गया और मैंने कार्ड से अपना पेमेंट किया और डॉलर का रिसिप्ट दे दिया उन्होंने, बोला रिसिप्ट दिखा के आप बोर्डिंग पास ले सकते हो। तो फिर से मैं आया, फिर से उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कैश चाहिए। तो पासपोर्ट कहाँ है, पासपोर्ट वो हमें चाहिए बोर्डिंग पास देने के लिए। तो फिर मैं गया यार करेंसी एक्सचेंज वाले के पास, और करेंसी एक्सचेंज वाले बोल रहे हैं कि हम आपको कैश नहीं देंगे, हमको बोर्डिंग पास चाहिए। तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम है, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। बहुत दिमाग ख़राब होने के बाद फिर मैंने दोनों को बोला भाई बात कर लो एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग कर लो दोनों का प्रॉब्लम क्या है। तो दोनों बात कर लो, तुमको पासपोर्ट चाहिए कि कैश चाहिए, क्या चाहिए तुम लोग बात कर लो, मेरे पास अभी डॉलर है। और लास्ट में परेशान होने के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गया, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। 120 को चेक इन है भाई, मतलब फ्लाइट में बैठना है, और 2 बजे की फ्लाइट है। तो अभी मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में, मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। बैंकॉक में मेरी 1 घंटे 10 या 15 मिनट की लेओवर है, और कनेक्टिंग फ्लाइट है कंबोडिया की। तो अभी बैंकॉक जा रहा हूँ, लेकिन बस फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वो भी 1 घंटे के लिए, और वहाँ से मेरी फ़्लाइट रहेगी 1 घंटे 30 मिनट की कंबोडिया की। तो जो भी आगे होता है आगे बताते हैं। दिमाग ख़राब हो गया मेरा यार, और मैंने डॉलर कितना महंगा खरीदा है मालूम नहीं, 82.50 का रेट के से हिसाब से मैंने डॉलर खरीदा है। तो चलो आगे जो भी होता है बता। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, बोर्डिंग पास लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन कोई भी डिफिकल्ट नहीं था। फिर कस्टम वालों ने पकड़ लिया यार बहुत लोग को, और बोल रहे हैं कि जिसके पास डॉलर है अगर रिसिप्ट नहीं है, मेरे पास तो रिसिप्ट था, तो उनका डॉलर जब्त कर लेंगे, सीज कर लेंगे, देंगे नहीं। वो भी एक है, वो लोग भी पता नहीं भड़के हुए थे, किससे भड़के हुए थे मालूम नहीं। फिर सिक्योरिटी चेक करने गया, सिक्योरिटी चेक अच्छा से हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, 120 को चेक इन करना है, उनको फ्लाइट के अंदर जाना है जो भी बोलते हैं उससे। उसके बाद सुबह पहुँचूँगा मैं 6 बजे बैंकॉक, वहाँ से फिर 7:10 को फ्लाइट कंबोडिया के लिए। तो आगे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली इतने लेट वेट करने के बाद फ्लाइट है 2 बजे को, और घुसा रहे बोर्डिंग कर रहे हैं 2:145 को, जा रहे हैं अंदर दिखाते हैं आपको भाई। बहुत परेशानी झेलना पड़ा है फ्लाइट के लिए। भाई जब मैंने आज पूछा एयरलाइन वाले से, भाई अगर आपको कंपलसरी $500 लेना है तो आप मेंशन कर दो, जब बुकिंग करते हैं ना उसके नीचे मेंशन कर दो कि भाई $500 लेके आइए, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। बाद में ये वो लोग करते हैं। नो थैंक यू। सो गाइस कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी था, तो दिखाते हैं क्या क्या है। ये एक रसगुल्ला है, ब्रेड है, और पानी, और इसमें कुछ है भाई थाई चिकन और राइस थोड़ा सा।
चलो भूख लगी थी, रात खाया भी नहीं था, चले खाते और बताते हैं आगे। सो गाइज फाइनली कनेक्टिंग फ्लाइट से अब जा रहे हैं और अभी एक 1.5 आवर में पहुंच जाएंगे फेनो फेन और चलते आगे दिखाते हैं आपको। चलिए सीट ढूंढते हैं। और रात में जो पेड़ा था तो नाइट था, अभी क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा स्काई दिखाते हैं। हेलो भाई, जैसे ही आते हैं आपको अराइवल कार्ड मिलता है, अब फिल करना है भाई इसको। सो गाइस जैसे ही आप इंटर करते हो तो बोर्डिंग पास चेक होता है और फिर मिलता है इमिग्रेशन कार्ड और ये दूसरा है हेल्थ डिक्लेरेशन सर्ट डिक्लेयर करना है, तीसरा कस्टम भरो और देना पड़ता है और मेरे को मिले बांग्लादेश से एक लड़का, क्या नाम है आपका? रोनी, इनका नाम है रोनी, बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरे सब्सक्राइबर भी बन रहे हैं अभी। सो बाहर का व्यू देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, और जैसा कि मैं अभी हूँ वियतनाम में, और वियतनाम में मेरा ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुका है और मैं कल 10 जुलाई में जा रहा हूँ थाईलैंड। तो बहुत ही अच्छा रहा ये ट्रिप। और इससे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो इससे पहले मेरा प्लान था कंबोडिया जाने का, और कंबोडिया तक आया भी था मैं। तो ये वीडियो बेसिकली कंबोडिया के मैसेज जो डिपोर्ट हुआ था उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला क्या हुआ था कि मैं अपने वीडियो में पीछे देखा होगा कि मैं निकला था कोलकाता से और कोलकाता में गया था थाई एयरवेज की, थाई स्माइल की मेरी फ़्लाइट थी। और मैं जब थाई स्माइल के काउंटर पे गया तो उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम किया था मुझे। उन्होंने बोला $500 आपको कैरी करना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है भाई, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मैं गया था और महंगे, बहुत ही महंगे रेट में मैंने $500 लिया था। उस वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे। वो तो पहले क्या हुआ, उन्होंने बोला डॉलर लेके आओ, तो मैं जब डॉलर ख़रीदने गया डॉलर वालों ने डॉलर नहीं दिया, बोला कि आप टिकट लेके आओ। तो ये वाला प्रॉब्लम था कि आप जो एक्सचेंज वाले थे वो बोलते थे बोर्डिंग पास दो, और जो और वो जब वो उनके पास बोलते थे पासपोर्ट रख लेंगे जब तक बोर्डिंग पास नहीं दोगे। तो सब मतलब ये थोड़ा ख़राब लगा था मुझे, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस दोनों का। मतलब बहुत ही शुरू से स्टार्टिंग से ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, ऐसा था। फिर मैंने जैसे भी करके मैंने बोला जाना है कंबोडिया, ई वीज़ा था मेरे पास, तो मैं सोचा जैसे भी मुझे कंबोडिया जाना है। तो मैंने $500 कर दे बहुत ही गंदे रेट में, लगभग 6000 रुपये दिए मैंने $500 के लिए इंडिया में और एयरपोर्ट पे, कोलकाता की एयरपोर्ट पे। फिर मैं जैसे ही ले लिया इमिग्रेशन में गया, इमिग्रेशन वालों ने कुछ भी नहीं पूछा, एकदम स्मूथ था इमिग्रेशन इंडिया में, एकदम कुछ भी नहीं पूछे। बस बोले कि 4 तारीख को फरवरी में आप कहीं गए थे, मैंने बोला हाँ श्रीलंका गया था मैं, बस इतना ही क्वेश्चन करके सील मार के चला गया। और थोड़ा सा मेरे को 10 मिनट के लिए रोका था इसने कस्टम वाले, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके पास अगर डॉलर है तो रिसिप्ट दिखाओ और जाओ, तो वो सिंपल था। फिर मैं वहाँ से फ़्लाइट लेके कंबोडिया आया। मेरी पहले फ़्लाइट थी बैंकॉक तक की, बैंकॉक में 1 आवर लेओवर था, उसके बाद मैं आ गया कंबोडिया सुबह सुबह। और मेरे पास वीज़ा एवरीथिंग सब कुछ सही चल रहा था तब तक। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब कंबोडिया पहुँचा, तो कंबोडिया जैसे ही मैं पहुँचा तो मैं लाइन में लग गया वीज़ा ऑन लाइक स्टैम्पिंग के लिए। तो एक्चुअली मैं जो लाइन में लगा था वो था वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, मेरे पास ऑलरेडी ई वीज़ा था। तो उन्होंने देखा कि मेरे पास है तो बोला जाओ स्टैम्पिंग कर लो जाके। तो मैं गया, 3 ऑफिसर थे वहाँ पे, और मतलब उससे पहले मेरे 3 लोग पहले से ही ब्लैकलिस्टेड पकड़ाए हुए थे, इंडियन ही थे। तो 3 लोग ब्लैकलिस्टेड थे और वो उन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, फिर भी बार बार वो तीसरी बार आ चुके थे। तो उन लोगों का लगता है इमिग्रेशन वालों का थोड़ा सा मूड ख़राब ही था और उन्होंने पकड़ रखा था उन्हें। और बाद में एक और केरला का कोई एक लड़का था, तो वो और मैं उसके बाद उनको तो साइड कर रखा ही था तीनों को, और जो केरला का लड़का था वो और मैं थे और 3 ऑफिसर थे, दोनों के साथ क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ ही रहे थे। पहला क्वेश्चन था पासपोर्ट दिखाओ, मैंने पासपोर्ट दिया। वीज़ा दिखाओ, वीज़ा दिया।
रिटर्न टिकट में मैंने बोला मैं इंडिया बैक नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हो ची मिन वियतनाम। मेरे पास ये टिकट है, रिटर्न टिकट कंफर्म, मतलब वहाँ से मैं कंबोडिया से फ्लाई करना के लिए मैंने उनको बोला आपकी कंट्री में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा, मेरे पास हो ची मिन की टिकट है, मेरा पास वीज़ा है, 15 डेज में मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद वो जबकि मलयाली वाले से उन्होंने पूछा केरला वाले से कि आपके पास कैश कितना है, तो उसने बोला मेरे पास $200 है। और जब वो निकाला तो $200 भी नहीं थे उसके पास, ऑलमोस्ट $100 चेंज में बहुत 2 और 5 के ऐसे नोट थे, तो $100 भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो उस पर भी एक हो गया, मतलब उनका माइंड पूरा ही ख़राब था। फिर मेरे से पूछे आपके पास कितना है कैश, तो मैंने बोला कि भाई कैश क्यों चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला नहीं हमें देखना है कैश आप कितना कैरी कर रहे हो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मेरे पास $500 है, तो उन्होंने बोला सो मी, मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने उनको $500 ऐसे करके बोला कि ऐसे करके दिखाओ, मैंने उसके पूरा $500 दिखाए। फिर उन्होंने बोला कि मतलब कुछ क्वेश्चन पूछने लगे कि आप क्यों आए हो और हो ची मिन क्यों जा रहे हो। हाँ मेन पॉइंट ये था, उन्होंने मुझसे बोला कि $500 ही आपके पास है और आप हो ची मिन भी जा रहे हो, ये इनफ है। मैंने बोला कि सर लाइक $500 है मेरे पास कैश, अकाउंट में भी है। तो उनका सीधा कहना था कि उन्होंने सीधा एक पॉइंट पकड़ा कि भाई $500 तुम मैं कैसे घूम लोगे हो ची मिन, और ये मतलब लेकिन जो इमिग्रेशन का काम है आपकी कंट्री से निकल रहे हैं, आपकी कंट्री का कितना खर्चा होता है क्या है, मैं उससे मोर देन इनफ पैसे लेके गया था, $5,500 आई थिंक कंबोडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और उनको दूसरी कंट्री के बारे में क्या सोचना है यार, मैं दूसरी कंट्री में जाऊँगा कितने क्या खर्चे कर रहा हूँ, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर इससे मतलब नहीं रखता है। तो मैंने क्या किया कि दिखाया 500 और वो एक ही बात पे अड़े रहे कि तुम हो ची मिन जा रहे हो $500 में क्या करोगे। मैंने बोला मेरे बैंक के अकाउंट में पैसे हैं और मुझे इंटरनेट दीजिए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे हॉटस्पॉट दीजिए, मेरे पास यहाँ इंटरनेट नहीं है, मैं आपको अकाउंट में शो कर देता हूँ। लेकिन वो नहीं माने, लास्ट तक पूरा एकदम, फिर मेरा पासपोर्ट लेके गए अपने सीनियर के पास, 2-3 बार मेरे पासपोर्ट सीनियर के पास लेके गए, और उसके बाद भी उन्होंने मतलब लास्ट में बोला आई एम यू आर गोइंग बैक टू इंडिया, पता नहीं उन्होंने क्या बात किया मुझे समझ में नहीं आया। और जब मैं वहाँ से जस्ट सेम फ्लाइट जिससे आया था मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया, और मैंने पूरा पे किया लगभग $300, वो तो फ्लाइट के आने के तो गए ही, रिटर्न के मैंने $300 में रिटर्न गया हूँ मैं कोलकाता, सेम डे मेरे $300 वेस्ट हुए। और भी बहुत से मैंने मेरे ट्रिप का हो ची मिन का ये क्या बोलते हैं फ्लाइट टिकट वेस्ट हुआ, वीज़ा तो अभी था इसलिए मैं वीज़ा अभी वियतनाम में हूँ, और मेरे बहुत सारे पैसे वेस्ट हुए। फिर मैंने वो फ्लाइट ऐसा था कि बैंकॉक से रिटर्न आया मैं, और बैंकॉक जैसे आया उन्होंने कोई पेपर वर्क नहीं किया, बैंकॉक में मेरा बहुत सारा पेपर वर्क, मुझे डिटेंशन रूम में रखा गया था और डिटेंशन रूम में रिकॉर्ड नहीं कर रहा था कि मेरा मूड ऐसे ही ख़राब था, फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, उन्होंने मेंटली हैरेस किया था मुझे, मतलब दिमाग खा गया था, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और ऐसे मतलब दिमाग का ख़राब करके रख दिया उन्होंने। मैं डिटेंशन रूम में बैंकॉक में रहा था लगभग नहीं तो 12 घंटे बाद मेरी फ्लाइट, 12 घंटे के अंदर 11 घंटे रहा, 11.5 घंटे जैसे भी मेरी फ़्लाइट थी, मैं फिर कोलकाता गया। मैं सिर्फ चाह रहा था कि चले जाऊं। और डिटेंशन रूम में भी आपको जब रखते हैं तो लगेगा जेल जैसा ही है, ऑलमोस्ट जेल रहता नहीं हो लेकिन लगेगा जेल जैसा ही फीलिंग होगा। और जो उनको उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है 1170 baht पे करने पड़ते हैं आपको डिटेंशन रूम में रहने के लिए। मैं उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग भी थे जो मतलब मैंने देखा है जो ब्लैकलिस्टेड हैं और आ जाते हैं बार बार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि भाई अगर आप पढ़े लिखे उतने नहीं हो, अगर आपको काम करने का उतना ही शौक़ है, तो अगर आपको इतना तो दिमाग होगा कि आप ब्लैकलिस्टेड हो उस कंट्री में, फिर बार बार क्यों जा रहे हो। अगर उन्होंने मुझे बताया 3 साल के लिए बैन है, तो वो किसी ब्रोकर के चक्कर में पड़ गए थे और ब्रोकर बार बार पैसा लेता था, बोलता था कि मैं इमिग्रेशन से बात कर लूँगा, सेटिंग हो गई है आपको भेज दूँगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपसे ब्रोकर पैसे ऐंठ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, बार बार आप डिपोर्ट हो रहे हो, मत करो ऐसा। मेरी सजेशन यही है कि ऐसा मत करो प्लीज़, आपके चलते हमें भी दिक्कत होता है। और उन्होंने जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं माना था कंबोडिया वाले ने,
वो एक बार तक मान भी जाते लेकिन लास्ट में उन्होंने सीधा बोला कि देखिए आपका वीज़ा मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आप जाओ अभी रिटर्न तुरंत एक घंटे बाद फिर आ जाओ तो हम एंट्री दे देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, वी आर डिपोर्टिंग यू और आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहे, आप फिर से आ जाओ। तो ये कौन सा बात हो गया यार कि अभी आपको नहीं एंट्री देंगे अब बाद में आ जाओ, वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहे, ये तो सही नहीं लगा मुझे। फिर मैं डिटेंशन रूम में, मेरा दिमाग ख़राब था और फिर उसके बाद मैं इंडिया आ गया और ये था इतनी स्टोरी मेरी डिपोर्ट की। तो अभी मेरी वियतनाम की वीडियो चल रही है और देखिए एंजॉय कीजिए। और मैं अभी थाईलैंड जा रहा हूँ कल यार, और मैंने साथ साथ कुछ ले लिया है, वीज़ा ऑन अराइवल है 15 दिन के बाद में देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो भाई अगर मेरे वियतनाम के सीरीज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, जो भी गलतियाँ हों मैं इम्प्रूव करूँगा और आई होप मैं अच्छा मतलब इम्प्रूव करूँ। अच्छा लगता है मुझे, आप बहुत सा प्यार मिल रहा है, मेरे श्रीलंका के वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। तो जैसे भी है अच्छा, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।